अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक्सित अजीज़ एंड आई वेलकम यू टू गौर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौर मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 4 चैप्टर 5 मेजरमेंट्स। एंड द टॉपिक वुड बी कन्वर्जन ऑफ आवर्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड। जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कन्वर्जन ऑफ आवर्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं और वन मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आवर से मिनट में जाने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है और मिनट से सेकेंड में जाने के लिए भी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी वो नंबर होगा। तो एग्जांपल, कन्वर्ट 6 आवर इनटू मिनट। तो आवर से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 6 आवर्स को। तो 6 इंटू 60 इज 360 मिनट्स। इसी तरह अगर हमने वापस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आवर से, लेकिन 60 से ही डिवाइड करेंगे। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन भी उसी से करते हैं। कन्वर्ट 45 मिनट्स इनटू आवर्स। अब 45 मिनट्स क्योंकि 60 मिनट से कम है, यानी एक आवर से भी कम होगा, तो आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में ही आएगा। 45 को जब हमने 60 से कन्वर्ट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3/4 आवर्स। मिनट्स को सेकंड में जाने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। दोनों एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 1, इनटू सेकंड्स। मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास सेकंड्स में आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेकंड्स इनटू मिनट्स, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 60 से। छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, तो इनको आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर्स मिनट में आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। आवर्स को मिनट्स में करने के लिए भी हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तमाम आंसर्स को, और 4 में मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 से। जो तो बड़े हैं तो वो हम लिख सकते हैं, जो 60 से भी छोटे होंगे वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे और वरना वो आवर्स में ही आ जाएंगे। फ्रैक्शन में भी आ जाएँ तो कोई इसमें हर्ज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स। ये जो आपके पास दिए गए हैं इनको आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। जो तो आपके पास आवर्स में है उसको आप मल्टीप्लाई करें 60 से, तो वो आपके पास मिनट्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास आवर और मिनट्स में है उसमें सिर्फ मिनट आवर्स वाले को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, और मिनट्स वाले को उसमें जो आंसर आएगा उसमें आपने ऐड कर लेना है। जैसे 5 आवर्स 17 मिनट्स वुड गिव यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये आपके पास आ जाएगा 300 मिनट्स, ये आ जाएंगे, और 17 मिनट्स ये हैं तो ये आपके पास टोटल बन जाएंगे 317 मिनट्स। बाकी भी तमाम इसी तरह ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। आपके पास मिनट्स हैं, इनको आवर्स, जितने आवर्स निकलते हैं वो अलग और बाकी जितने रिमेनिंग मिनट्स निकलते हैं वो अलग, तो इनको आप करेंगे, जैसे 150 मिनट्स हैं तो इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 120, आपके पास रिमाइंडर आ गया 30। तो ऊपर वाला आंसर आपके पास आवर्स है और ये वाला आपके पास मिनट है, तो 2 आवर्स 30 मिनट आपका आंसर होगा।
इस क्वेश्चन, इसको आपने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना था, तो आपने इसको इस तरह कर दिया। और जिसको आपने सिर्फ आवर्स में करना होगा वो फिर आपके पास फ्रैक्शन में कोई भी आंसर आ जाएगा, तो उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट इस तरह नहीं करेंगे। जैसे ऊपर वाला उन्होंने बताया था कि आपने इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 140 मिनट्स को आपने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो आप 600 से कैंसिल, 2723, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7/3 आवर्स। इसको आपने क्योंकि सिर्फ आवर्स में रहना है और मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करना, तो आंसर आपके पास फ्रैक्शन आएगा 120 मिनट्स जिस तरह है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो 120 डिवाइड बाय 60 गिव्स यू 2 आवर्स, 61 62, तो ये आपके पास कम्प्लीट आ जाएगा। तो इसके आंसर आपने इस तरह लिखने हैं, और लास्ट वाले के आंसर आपने आवर्स और मिनट में लिखने हैं, वो आपने इस तरह डिवीजन करनी है, ऊपर आवर्स और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपके पास मिनट्स। तो बाकी आंसर आपने की से वेरीफाई करने हैं और चेक करने हैं कि आंसर आपके ठीक हैं या नहीं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।